Good afternoon. This is Himanshu taking online classes. And thank you so much for watching our video and giving such a warm response for the first video. Aaj hum second video bana rahe hain. Second class hai hamari underwriting chapter ki. Underwriting of shares in debenture chapter kar rahe hain. Ye unit 2 ka chapter number 1 hai. Iski second class hai. Pichli video hamari first class pe thi. First class mein humne iske important topics padhe the. जिसमें इंट्रोडक्शन का पार्ट हमारा हो चुका है. इंट्रोडक्शन में हमने व्हाट इज़ अंडरराइटर, व्हाट इज़ अंडरराइटिंग, व्हाट इज़ अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी. उसके बाद मैंने आपको 5 मार्क्स वाले और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन की लिस्ट बनवाई थी जो थ्योरी में इंपॉर्टेंट है. और मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कल की 3 क्वेश्चन उसमें से ऐसे हैं जिनके आंसर्स भी आपको मैंने लिखवाने हैं. तो वो आंसर्स मैं आपको इस चैप्टर के लास्ट में लिखवा दूंगा जब ये हमारा चैप्टर ख़त्म होगा, ठीक है. बाकी आपको बाकी क्वेश्चन सारे बुक में मिल जाएंगे. अगर आपको उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप मुझे बता सकते हो. वो क्वेश्चन की नरेशन भी मैं आपको दूंगा, उसके रिटन नोट्स मैं आपको बनवा दूंगा या मैं उसको ऐप में अपलोड कर दूंगा. तो प्लीज़ आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए. और हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, कई बच्चों ने मुझे डाउट पूछा है कि सर वीडियोस को देखना कैसे है, आप वीडियोस को कहाँ पे अपलोड करते हो. तो मैं अपनी वीडियोस को कॉमर्स क्वेस्ट की ऑफिशियल प्ले स्टोर की ऐप में अपलोड करता हूँ. आप अपने फ़ोन में ऐप को डाउनलोड कर लो. और ऐप को कैसे डाउनलोड करना है उसका एक डेमो मैं आपको अभी दे रहा हूँ ताकि आपके जो डाउट्स हैं कि वीडियोज़ को कैसे देखना है वो सारे डाउट्स दूर हो सके, ठीक है. मैं आपको अभी अपने फ़ोन में वो सारा प्रोसेस एक बार करके दिखाता हूँ जिसको आप पॉज करके दोबारा देखना अगर आपको कोई डाउट होता है, फिर आप इजीली हमारी वीडियोस को देख पाओगे, ठीक है. ये देखो, जैसे ये मैं अपने फ़ोन में करके दिखाता हूँ. सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में ना प्ले स्टोर में जाना है. प्ले स्टोर में जाके आपको वहाँ पे कॉमर्स क्वेस्ट टाइप करना है. सर्च बॉक्स बना होता है ऊपर, मैं जूम कर देता हूँ. सर्च बॉक्स में जाके अब जब ये जूम होगा ना तो थोड़ा सा लाइटनिंग अप डाउन होगी, वो जूम की वजह से होती है. जैसे ही जूम आउट होगा ये सब ठीक हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पर आपको कॉमर्स क्वेस्ट टाइप करना है. कॉमर्स क्वेस्ट टाइप करोगे तो पहले नंबर पे हमारा सर्च आ जाएगा, वहाँ जाके आपको क्लिक करना है. मुझे यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपको इंस्टॉल का आएगा. जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपके फ़ोन में भी ओपन का ऑप्शन आएगा. यहाँ पे आपको जाके इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है. ओपन करने के बाद आप जिस भी बैच में हो ना आपको वो बैच दिखाई देगा. जैसे बैचेस में जाना है, ये बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर है. और प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आपसे कि जो बच्चे ऐप डाउनलोड कर रहे हैं वो चैट में जाके मुझे अपनी क्लास ज़रूर बताएँ ताकि मैं आपको उस क्लास के रिस्पेक्टिव बैच में ऐड कर लूँ, फिर ही आप वीडियोस देख पाओगे. रिसोर्सेज की एक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप उस बैच में ऐड हो जाओगे. तो प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपना बैच नंबर मुझे ज़रूर बताओ. बैच में जाके आपको ऊपर असाइनमेंट्स दिखाई देंगे. असाइनमेंट्स में आपको दूंगा जब ये हमारा चैप्टर हो जाएगा 50-60%. असाइनमेंट का मतलब होता है होमवर्क. उसके बाद आप यहीं पर अपलोड भी कर सकते हो अपना होमवर्क. अनाउंसमेंट्स में जाके आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने जो भी बतानी होती है क्लास के रिलेटेड वो अनाउंसमेंट में आपको मिल जाएगी. इसकी आपकी फ़ोन पे नोटिफिकेशन बेल में जाके नोटिफिकेशन भी आएगी. उसके बाद आता है टेस्ट का टैब. टेस्ट भी आपके होंगे, ऑनलाइन ही होंगे. टेस्ट आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में टेस्ट होते हैं. जो जो बच्चे अपना शेयर कैपिटल वाला चैप्टर कर चुके हैं, राइट शेयर बोनस शेयर वाला चैप्टर कर चुके हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वाला चैप्टर कर चुके हैं और अब मेरे साथ अंडरराइटिंग वाला चैप्टर कर रहे हैं, वो बच्चे अपने टेस्ट भी दे सकते हैं. टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करो. जितने भी टेस्ट में आपकी मार्क्स आते हैं वो आप ही देख सकते हो, कोई और नहीं देख सकता. तो सो डोंट फील शाई कि मेरे मार्क्स कम आएंगे इसलिए मैं टेस्ट नहीं देना चाहती या टेस्ट नहीं देना चाहता. आप टेस्ट दीजिए, आपके मार्क्स आप ही को पता चलेंगे, किसी और बच्चे को नहीं भी होंगे वो, ठीक है. इसीलिए आप टेस्ट भी दिया करना. टेस्ट के बाद अगली टैब आती है वीडियोज़ की. वीडियोज़ में जाके आपको जितनी भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करनी है वो सारी यहाँ पर मिलेंगी. जैसे हमारी फर्स्ट क्लास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे हमने कल बनाई थी वीडियो, उसकी भी आपको यहाँ पे व्यू दिखाई दे रहा है, वो भी आपको लिंक दिखाई देगा. आप यहाँ पे जाके क्लिक करोगे फिर ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगी. लेकिन अब मैं जूम आउट कर देता हूँ. आप वीडियो को रोटेशन अपने फ़ोन में ना ऑफ़ कर लेना. ये देखो, रोटेशन ऑफ पे क्लिक करना. जब रोटेशन ऑफ हो जाएगी तो आप इसको हॉरिजॉन्टल भी देख सकते हो जिससे आपकी फ़ोन की पूरी स्क्रीन पर वीडियो चलेगी. आप इसको प्ले कर सकते हो. ठीक है, करते रहना. हाँ,
आप यहाँ पे वीडियो देख ठीक सकते हो। मैं टेस्ट किया गया था तो ये 15 मार्क्स पे भी अभी आ सकता है। यूनिट 2 के सेक्शन सी में पेपर में 15 ठीक है, मार्क्स में भी आ सकता है, तो आप तो ऐसे आपको वीडियोस ऐसे को देख प्रिपेयर सकते हो। आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे ऐप में जाके चैट में जाके मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब इस वीडियो को हम बंद कर देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जूम आउट कर देता हूँ मैं थोड़ा और। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, आज हमने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। प्रैक्टिकल में सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाओ, लिखो स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कंपनी के तीन अंडर राइटर्स हैं, ए बी एंड सी। लास्ट में टोटल का कॉलम आना है और यहाँ पे पर्टिकुलर्स। ज़्यादातर सम्स में तीन अंडर राइटर्स ही होते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर सम्स में तीन ही होते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे परसेंटेज। ये परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होती है कि कौन से अंडरराइटर ने कितने परसेंट अंडरराइट किया है कंपनी के इशू को, तो वो जितने परसेंट भी होगा हम यहाँ पे लिखेंगे। परसेंटेज लिखने के बाद आपको लिखना है ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी सारे अंडरराइटर्स की होगी, उसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। ग्रॉस लायबिलिटी के बाद आपको लेस करना है मार्क्ड एप्लीकेशंस। मार्क्ड एप्लीकेशन आपको लेस करनी है, यहाँ पे ब्रैकेट डाल लो, जो लेस होना है उस पर ब्रैकेट डाल दिया करो। ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि ये फिगर लेस होनी है। लेस होने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट मिलेंगे, उसमें से अगेन आपको लेस करना है अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। ये भी लेस होनी है। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। नेट लायबिलिटी ब्रैकेट में लिख लो शेयर्स टू बी एक्वायर्ड बाय अंडर राइटर्स। शेयर्स टू बी एक्वायर्ड बाय अंडर राइटर, ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। अब आपको मैंने समझाना है व्हाट इज मार्क्ड एप्लीकेशन, व्हाट इज अनमार्क्ड एप्लीकेशन एंड व्हाट इज ग्रॉस लायबिलिटी। इन तीनों टर्म्स का मतलब समझना है हमें। नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। आप प्लीज़ ये फॉर्मेट कॉपी कर लेना वीडियो को पॉज करके, और फिर वीडियो को रिज्यूम करके आगे की वीडियो देखो। एग्जाम्पल
ए बी सी कंपनी इशू निकाल रही है 1 लाख शेयर्स का, जिसको 3 लोग अंडरराइट कर रहे हैं, एक्स वाई जेड। एक्स ने अंडरराइट किया है 40%, वाई ने अंडरराइट किया है 30%, जेड ने अंडरराइट किया है 30%। 1 लाख का 40% करो, 1 लाख का 40%, यहाँ पे 1 लाख का 30%, अगेन 1 लाख का 30%, 40,000, 30,000 एंड 30,000। इसको बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब है इशू में आपकी लायबिलिटी कितनी है बीइंग एन अंडरराइटर। जैसे एक्स ने बोला था मैं 40% लायबिलिटी अंडरराइट कर रहा हूँ, मतलब 40% शेयर्स कंपनी के इशू हो जाए उसकी जिम्मेवारी मेरी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। वाई ने बोला था 30%, जेड ने बोला था 30%। इसको बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। यहाँ पे आप लिख लो ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे लिख लो ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पे लिख सकते हो आप थर्ड में ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ सी। इसको बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। ठीक है, आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो, जो मैंने फॉर्मेट बनवाया ना आपको, वहाँ पे मैंने फॉर्मेट की स्टार्टिंग में लिखा है परसेंटेज। ये देखो, ये परसेंटेज ग्रॉस लायबिलिटी की है। मान लो क्वेश्चन में 1 लाख शेयर्स हैं, तो 1 लाख का जितना परसेंट ए ने अंडरराइट किया है, जितना परसेंट बी ने अंडरराइट किया है, जितना परसेंट सी ने अंडरराइट किया है, वो उसकी ग्रॉस लायबिलिटी है। ए की ग्रॉस लायबिलिटी यहाँ पे लिख दोगे, बी की ग्रॉस लायबिलिटी यहाँ पे लिख दोगे, सी की ग्रॉस लायबिलिटी यहाँ पे लिख दोगे, और तीनों का टोटल 1 लाख यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड टर्म जो आपने समझनी है वो है मार्क्ड एप्लीकेशंस। मार्क्ड एप्लीकेशंस क्या होते हैं? एबीसी कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए 1 लाख, अब इसमें लोग शेयर्स अप्लाई करने आ रहे हैं। एग्जांपल, लोग की पी अप्लाई करने आ रहे हैं, क्यू अप्लाई करने आ रहे हैं, आर अप्लाई करने आ रहे हैं, जेड अप्लाई करने आ रहे हैं, एम अप्लाई करने आ रहे हैं, एन अप्लाई करने आ रहे हैं, मिस्टर पी, मिस्टर क्यू, मिस्टर आर, मिस्टर जेड, मिस्टर एम, मिस्टर एन। और जब मिस्टर पी अप्लाई करने आए तो उन्होंने आके बताया कि मुझे ए अंडरराइटर ने भेजा है। अपने अंडरराइटर किनको माना था? एग्जाम्पल में एक्स को, वाई को, जेड को। तो मिस्टर पी ने बोला कि मुझे एक्स ने भेजा है, यहाँ पे लिख लो सेंट बाय एक्स। क्यू ने बोला मुझे वाई ने भेजा है, आर ने बोला मुझे जेड ने भेजा है, यहाँ पे मिसेज कर लेते हैं मिसेज जेड, क्योंकि जेड ऑलरेडी हमारे अंडर राइटर है, तो मिसेज जेड कर लो। और मिसेज जेड ने बोला है मुझे जेड ने भेजा है, लेकिन मिस्टर एम ने बोला है कि मुझे किसी ने रेफर नहीं किया, ये सेल्फ आए, इनको किसी ने रेफर नहीं किया,
और मिस्टर एन बी सेल्फ आए हैं टेलीविज़न में आपकी ऐड देख के, सोशल मीडिया पे आपकी ऐड देख के। तो अब इस एग्जांपल में जिनको एक्स ने भेजा है, वाई ने भेजा है, जेड ने भेजा है, जेड ने भेजा है, वो चारों बन गए मार्क्ड एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन? मार्क्ड एप्लीकेशन। ये मार्क्ड है ना, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि किस अंडरराइटर ने इनको भेजा है, मार्क्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, ये मार्क्ड एप्लीकेशंस है। और जिन पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, ये दोनों, ये अनमार्क एप्लीकेशन है, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। तो बच्चों, मार्क्ड एप्लीकेशन वो है जिन पे किसी पर्सन का मार्क लगा हुआ है। जैसे मिस्टर पी ने कहा मुझे एक्स अंडरराइटर ने भेजा है, मिस्टर क्यू ने कहा मुझे वाई अंडरराइटर ने भेजा है, मिस्टर आर ने कहा मुझे जेड अंडरराइटर ने भेजा है, मिसेज जेड ने कहा मुझे जेड अंडरराइटर ने भेजा है। तो ये चारों ऑलरेडी किसी ना किसी को असाइन हो चुके हैं, इनको बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। मतलब इन पे मार्क लग चुका है किसी ना किसी अंडरराइटर का। लेकिन मिस्टर एम और मिस्टर एन, ये दोनों सेल्फ आए हैं, इनको किसी भी अंडरराइटर ने रेफर नहीं किया है। ये टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे या फिर किसी और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमारी कंपनी की रेपुटेशन के बेस पे आए, तो इनको हम बोलेंगे अनमार्क एप्लीकेशन। इन पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, इनको किसी ने रेफर नहीं किया है, तो ये अनमार्क एप्लीकेशन है। जैसे मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है, अगर वो मुझे आके कहता है कि मुझे मेरे ही स्टूडेंट ने रेफ़र किया है, तो उसको मैं बोलूँगा मार्क एप्लीकेशन, मार्क्ड। और जो बच्चे मेरे पास बिना किसी रेफरेंस के आते हैं कि हमने आपके बारे में सुना था, अब हम आपके पास पढ़ने आए हैं, उनको मैं बोलूँगा अनमार्क एप्लीकेशंस। ठीक है, जिनको किसी ने रेफ़र नहीं किया है। तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा मार्क्ड और अनमार्क का मतलब। फाइनली एक बार समरी दे देता हूँ। मार्क्ड वो होते हैं जिनको किसी ना किसी ने रेफ़र करा होता है। अब क्वेश्चन में लिखा होगा मार्क्ड एप्लीकेशंस ये हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन ये हैं, टोटल एप्लीकेशंस ये हैं, तो ये क्वेश्चन में टर्म्स काम आनी है। बड़ी बेसिक सी टर्म्स हैं, मार्क्ड एंड अनमार्क्ड। जिनको किसी ने रेफ़र किया है वो मार्क्ड हैं, जो बिना रेफरेंस किया है वो अनमार्क्ड है। ठीक है, चलो आप इस एग्जाम्पल को अपने हिसाब से नोट कर लेना और यहाँ पर लिख लो अंडरराइटर्स कौन है। पिछले एग्जाम्पल में हमने लिखा था, यहाँ पे भी लिख लो, अंडरराइटर्स हैं एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अंडरराइटर्स हैं एक्स वाई जेड, ताकि लेटर ऑन जब आप रिवाइज करो तो आपको समझ आ जाए कि एक्स वाई जेड हमारे अंडरराइटर्स हैं, और जिनको अंडरराइटर ने भेजा है वो मार्क्ड है, जो खुद आया है वो अनमार्क्ड है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा कि कौन से मार्क्ड है कौन से अनमार्क्ड है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम करेंगे इसका सम। प्लीज़ आप अपने साथ बुक रखना, मैं बुक को स्क्रीन पे लगाऊंगा, आपको सम रीड कराऊंगा, लेकिन एक बार तो मुझे बुक को हटाना पड़ेगा ना सम करने के लिए। तो आप अपनी बुक में ज़रूर सम को साथ में देखते रहना। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास कौन सी बुक है, ताकि आप अपनी बुक में सम नंबर मैच कर सको। ये देखो, मेरे पास इस कलर की बुक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। इसमें आपको अंडरराइटिंग चैप्टर पे जाना है। ये रहा अंडरराइटिंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, यूनिट 2। इस चैप्टर में जाके आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना है। पहले मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप पढ़ सको, इसको क्लियरली देख सको। बाकी ये रेकमेंड कि आप अपनी बुक को साथ में रखो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, टिंकर्स लिमिटेड क्वेश्चन की स्टार्टिंग है। हो सकता है न्यू बुक में आगे पीछे हो, तो आप प्लीज़ इसको ढूंढ लो। देखो, टिंकर्स लिमिटेड मेड अ पब्लिक इशू ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच। टिंकर लिमिटेड ने 40,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं ऑफ रुपीज़ 10 ईच। एंटायर इशू वॉज अंडर राइटर बाई 5 अंडर राइटर। हमारे एग्जाम्पल में कितने थे? 3। यहाँ पे कितने अंडर राइटर है? 5। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई। मिस्टर ए ने कितना अंडर राइट करा है? 25%। मिस्टर बी ने कितना अंडर राइट करा है? 15%। मिस्टर सी ने कितना अंडर राइट करा है? 10%। मिस्टर डी ने कितना अंडर राइट करा है? 30%। मिस्टर ई ने कितना अंडर राइट करा है? 20%।
एप्लीकेशन बेयरिंग अ रबर स्टैम्प ऑफ अंडरराइटर। अब रबर स्टैम्प लग के आई है, मतलब ये कौन सी एप्लीकेशन है? मार्क्ड एप्लीकेशन। बच्चों मार्क्ड एप्लीकेशन यहाँ पे लिख सकते हो आप अपनी बुक में भी, MARKED, मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन ए की कितनी है? 5500। बी की कितनी है? 4100। सी की कितनी है? 3700। डी की कितनी है? 3300। ई की कितनी है? 3400। और जिन पे किसी की भी स्टैंप नहीं लगी होती वो एप्लीकेशंस कितनी है? 12000। तो ये 12000 कौन सी होगी? अनमार्क। आप यहाँ पे लिख लो UNMARKED, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, अब देखो अनमार्क एप्लीकेशन जिन पे कोई भी स्टैंप नहीं लगी हुई है। और फाइंड क्या करना है हमने? लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अंडरराइटर, सभी की लाइबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? 40,000 शेयर हैं जिनमें लाइबिलिटी हमें गिवन है, ये परसेंटेज लगा के ग्रॉस लाइबिलिटी आ जाएगी। और बाकी आपको मार्क्ड एप्लीकेशंस गिवन है, अनमार्क भी गिवन है, दोनों को लेस कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आना चाहिए हमारा, नीचे आंसर्स गिवन है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप अपनी बुक अपने पास रख लो, ताकि आपको बुक जब भी देखनी पड़े तो आप अपनी बुक साथ में देख लो। बीच बीच में बुक लगाऊंगा स्क्रीन पे, लेकिन एक बार मुझे सम करने के लिए बुक हटानी पड़ेगी। ठीक है, चलो बाकी मैं डेटा सारा नोटबुक पे उतार ही देता हूँ एक बार, ताकि जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो भी पढ़ सकें। ठीक है जी, लिखो क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट शोइंग लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अंडरराइटर्स कितने अंडरराइटर है सब में? 5। तो आपको 5 कॉलम बनाने हैं और एक कॉलम टोटल का भी बनाना है, तो आप स्पेस एलोकेट कर लो। यहाँ पे परसेंटेज लिखनी है आपको, परसेंटेज थी 25%, 15%, 10%, 30%, 20%, और टोटल शेयर्स कितने थे यहाँ पे लिख लो ऊपर, 40,000। ग्रॉस लाइबिलिटी 40,000 का 25% करो, ये देखो 40,000 इंटू 25% 10,000। का 15% करो 6,000।
40,000 का 10%, 4,000, 40,000 का 30%, 40,000 का 20%, 40,000 less marked applications. मार्क्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन में गिवन है, मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ, आप अपनी बुक पे भी देख सकते हो। 5,500, 4,100, 3,700, 3,300, 3,400, ठीक है। Fifty-five hundred, forty-one hundred, thirty-seven hundred, thirty-three hundred, thirty-four hundred, और ये सबका टोटल लगा लो। Fifty-five hundred, forty-one hundred, thirty-seven hundred, thirty-three hundred, thirty-four hundred, 20,000 टोटल है इनका। इसको लेस कर दो, पहला 4,500, दूसरा 1,900, 300, 8,700, 4,600, 20,000. Now less unmarked applications. Unmarked applications कितनी थी क्वेश्चन में? 12,000. I'll show you. ये देखो, 12,000, not bearing any stamp. अब इस 12,000 को आपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 12,000 का 25% इन रेशियो, 12,000 का 25%, 3,000, 12,000 का 15%, ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो में करना है। ट्वेल्व थाउजेंड का 10%, 12,000 का 30%, 12,000 का 20%, 12,000.
इसको लेस कर दो इसमें से 1500, 100 माइनस 900, 5100, 2200 एंड 8000। अब सम का नया पार्ट शुरू हो रहा है, मुझे ध्यान से सुनना फॉर 1 मिनट। यहाँ पे नेगेटिव आ गया 900। अब नेगेटिव आने का कंसेप्चुअल मतलब समझो, फिर सम में इसका क्या मतलब है वो तो बहुत इजी है, आप कॉन्सेप्ट पे जोर दो। इसका कंसेप्चुअल मतलब क्या है कि सी ने हमें बोला था कि मैं 4000 शेयर परचेज करूँगा। सी की लाइबिलिटी कितनी थी? 10%। 10% किसका? 40,000 का। 40,000 का 10% होता है 4000। सी ने कहा था मेरी लाइबिलिटी है 4000 शेयर को परचेज करने की, उसमें से उसने मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी भेजी? 3700। मतलब 4000 में से 3700 तो उसने खुद ही बेच दिया, कितने बचे उसके? 300। और अनमार्क एप्लीकेशन में से उसका शेयर कितना था? 10%, जो कि 12000 का 10% बन के आ गया 1200। मतलब उसके 300 शेयर ही रहते थे लेकिन उसके नाम पे 1200 अनमार्क भी आ गए। 900 नेगेटिव आने का मतलब है जितनी उसकी लाइबिलिटी थी उसने उससे ज़्यादा शेयर बिकवाए कंपनी के। दोबारा देखो, 4000 में से 37 तो मार्क्ड एप्लीकेशन थी, 300 रह गए। 300 उसे कंपनी के शेयर खरीदने थे लेकिन उसके नाम पे अनमार्क एप्लीकेशन 1200 आ गए। अनमार्क एप्लीकेशन को हमने सब में डिस्ट्रीब्यूट किया ना उस रेशो में जिस रेशो में उनकी लाइबिलिटी थी, तो जब 12000 का 10% किया तो मिस्टर सी के हिस्से में 1200 आ गए। अब 300 उसके पेंडिंग थे, उसने 1200 शेयर ये परचेज कर लिए तो उसकी अब नेगेटिव लाइबिलिटी आ गई, मतलब उसने कंपनी में जितने शेयर प्रॉमिस किए थे उससे ज़्यादा शेयर परचेज कर लिए। ये देखो, 4000 का प्रॉमिस था, उसने 3700 मार्क्ड एप्लीकेशन और 1200 अनमार्क्ड एप्लीकेशन, जो कि मिलके बनते हैं 4900। 3700, 1200, 4900 उसने खरीद लिए। 4000 बोले थे, 4900 कंपनी के शेयर उसने परचेज कर लिए या करवा दिए, 900 ज़्यादा हो गए। 900 ज़्यादा होने का मतलब है जितने शेयर उसने कंपनी को प्रॉमिस करा था उससे ज़्यादा कंपनी के शेयर उसने सेल करवाए, उससे ज़्यादा कंपनी के शेयर इशू करवाए उसने, ठीक है, जितने उसने बोला था उससे ज़्यादा शेयर इशू करवा दिए। अब इसका जो 900 है ना वो इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन चारों में क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्योंकि सबकी लाइबिलिटी अभी पेंडिंग है। मिस्टर ए ने बोला था 10,000, 5500 उसके मार्क थे, 45 रह गए। 45 में से अनमार्क कितने हैं उसके हिस्से में? 3000। तो उसके अभी अनमार्क भी कितने पड़े हैं? 1500। तो उसकी लाइबिलिटी अभी रहती है। तो जो 900 सी के सरप्लस हैं उनको ए बी डी और ई में डिवाइड कर दिया जाएगा इन रेशो। रेशो कौन सी है? ये वाली 25%, 15%, 30% एंड 20%। इसको लिखना कैसे है देखो, सरप्लस ऑफ मिस्टर सी एलोकेटेड अमंग ए कोमा बी कोमा डी कोमा ई। सी की सरप्लस अमाउंट को ए बी डी और ई में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन रेशो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ग्रॉस लाइबिलिटी की रेशो कौन सी है? जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, 900 का 25%। 900 का 25% यहाँ पे लिख ही लो आप, 900 का 25% जो कि निकल के आएगा 900 का 25% 225। ठीक है, 900 का 25% 225। एक सेकेंड, यहाँ पे ना आप एक चेंज करो,
आपको परसेंटेज में ज़्यादा टफ लगेगा, आप इसको शेयर्स की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। जैसे मिस्टर ए की शेयर के अमाउंट कितने हैं, 10,000, मिस्टर बी के कितने हैं, 6,000, मिस्टर डी के कितने हैं, 12,000 एंड मिस्टर ई के कितने हैं, 8,000। आप इसकी रेशियो बना लो। रेशियो क्या बनेगी, 10,000 रेशो 6,000 रेशो डी के कितने शेयर हैं, 12,000 रेशो ई के कितने शेयर हैं, 8,000। इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 900 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये ज़्यादा इजी है और इससे आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी समझ में। मिस्टर सी के 900 शेयर्स जो नेगेटिव आए हैं, उनको ए में, बी में, डी में, ई में उनकी ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो का मतलब परसेंटेज नहीं होता, रेशियो का मतलब है जितने उन्होंने शेयर्स लिए। 10,000 ए की लायबिलिटी, 6,000 बी की लायबिलिटी, 12,000 सी की लायबिलिटी, 8,000 ई की लायबिलिटी। अब इस रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन चारों का टोटल लगाओ। इन चारों का टोटल बनेगा 10 प्लस 6, 16, 16 प्लस 12, 28, 28 प्लस 8, 36। तो इनका टोटल बन गया 36,000। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो 36,000। तो अब 900 को किस रेशियो में बांटोगे, इनटू 10,000 अपॉन 36,000। नेक्स्ट में 900 इनटू 6,000 अपॉन 36,000, इसमें तो आना नहीं है क्योंकि इसके ऑलरेडी नेगेटिव हैं। डी में 900 इंटू 12,000 अपॉन 36,000, ई में 900 इंटू 8,000 अपॉन 36,000। ये आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करो अपने, 900 इंटू 10,000 ओवर 36,000, 250 आता है। नेक्स्ट, 900 इंटू 6,000 ओवर 36,000, 150। 900 इंटू 12,000 ओवर 36,000, 300। 900 इंटू 8,000 ओवर 36,000, 200। ठीक है, और जिसको डिस्ट्रीब्यूट करा है उसके सारे शेयर इन सब में चले गए ना, उसमें प्लस के 900। ठीक है, प्लस के 900 करने से उसकी लायबिलिटी जीरो हो जाएगी। ये देखो, 900 माइनस के, 900 प्लस के, उसकी लायबिलिटी होगी जीरो। और इनकी 1500 में से 250 शेयर्स और कम हो जाएंगे, 1250। 100 में से 150 और माइनस हो जाएंगे, माइनस के 50। माइनस 900 प्लस 900 जीरो, 5100 में से 300 लेस हो जाएंगे, 2200 में से 200 लेस हो जाएंगे, 2000। और सबका टोटल, इसका टोटल लगाओगे जीरो आएगा। और इनका टोटल लगाओगे 8,000 ही आएगा। अब आपको बी की बात करनी है क्योंकि अब बी के शेयर नेगेटिव है ना। ये देखो, बी के शेयर कितने नेगेटिव आए, 50। अब आपको बी को पॉजिटिव बनाना है। बी को कैसे पॉजिटिव बनाओगे, सेम तरीका से इसमें 50 प्लस कर दो और ये 50 बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बाकी किस में, ए में डिस्ट्रीब्यूट कर दो,
डी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और ई में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्यों? क्योंकि ए की लाइबिलिटी, डी की लाइबिलिटी और ई की लाइबिलिटी अभी पेंडिंग है। सी की लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है, जीरो। अब सी इस कॉन्ट्रैक्ट में से एग्जिट ले चुका है, उसने अपने शेयर जितने प्रॉमिस किए थे उतने उसने सब्सक्राइब करवा दिए हैं। अब लाइबिलिटी किसकी बाकी है? ए की, डी की और ई की। तो हमने बी के जितने सरप्लस आए हैं, नेगेटिव आए हैं, उन तीनों में डिवाइड कर देना है। तीनों में किस में डिवाइड करने हैं? सेम उसी रेशियो में, ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में। ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो क्या है? 10,000, 12,000, 8,000। क्योंकि तीन लोग ही रह गए ना, ए, डी और ई। 10,000, 12,000 और 8,000। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। यहाँ पे स्पेस कम है ना। आप यहाँ पे पॉज करके प्लीज़ अपना कंप्लीट कर लो, जितना आपका नोट करना बाकी है। ओके, अब सम का लास्ट स्टेप आ गया। अब हमने बी को पॉजिटिव करना है और फिर आपका सम कंप्लीट हो जाएगा। 6 कॉलम बनाने हैं। ए, बी, सी, डी, ई और टोटल। यहाँ पे लिखो एलोकेट सरप्लस ऑफ बी अमंग ए कोमा डी एंड ई इन रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। एलोकेट सरप्लस ऑफ बी अमंग ए डी एंड ई इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। ठीक है, सिमिलरली जैसे पिछली बार किया था। पिछली बार मैंने क्या लिखा था? सरप्लस ऑफ सी एलोकेटेड अमंग ऑल फोर, क्योंकि तब सबके पॉजिटिव थे। अब इस बार बी नेगेटिव है, सी की लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है, तो बचा कौन? ए बचा, डी बचा और ई बचा। इसीलिए मैंने लिखा है ए, डी और ई। और उनकी ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी है? ए ने कितने शेयर का प्रॉमिस करा था? 10,000 का। डी ने 12,000 का। ई ने 8,000 का। तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप 10,000, 12,000, 8,000। 10,000 रेशो 12,000 रेशो 8,000। ठीक है, अब इन का टोटल लगा लो आप पहले। 10, 12, 22, 22 प्लस 8, 30,000। कितनी लाइबिलिटी थी उसकी? सरप्लस कितना था? 50। ये देखो पिछले पेज पे डी का सरप्लस कितना था? 50। 50 को इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे प्लस 50। ठीक है, अब ये पेज पे स्पेस नहीं है ना, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। 50 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बी में लिख दो प्लस 50, इनमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें माइनस। ये तो ऑलरेडी जीरो है। 50 इंटू 10,000। बहुत इजी है बच्चे, ध्यान से देखो। पहला समय मैं इतना स्लो करा रहा हूँ, नेक्स्ट सम आप खुद कर लोगे मेरे करवाने से पहले, क्योंकि सारे सम सेम ही है। पहली बार आप सीख लो अच्छे से कंसंट्रेशन करके, बाद में आपको इजी लगेगा चैप्टर। 50 इंटू 10,000 अपॉन टोटल कितना है? 30,000। टोटल इन तीनों का लगाया मैंने। रेशो ऐसे बनाते हैं ना, पहला कितना आ गया? 50 इंटू 10,000 अपॉन 30,000। इसमें प्लस 50 हो चुका है, इसमें आना नहीं है। अब बारी है डी की। डी में कितना है? 50 इंटू 12,000 अपॉन 30,000। और ई में कितना है? 8,000। 50 इंटू 8,000 अपॉन 30,000। 50 इंटू 10,000 अपॉन 30,000 इंटू 10,000 अपॉन 30,000। पहला आ रहा है 16.67। आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो, 17 लिख लो। सेकेंड, 50 इंटू 12,000 अपॉन 30,000।
ये आ रहा है पूरा 20। और तीसरा 50 × 8000 upon 30000, 13.33। यहाँ पे आप राउंड अप करके लिख लो 13। देखो करना कुछ नहीं है, बहुत इजी है। जितना इसका हमारा नेगेटिव आ रहा था ना, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसने अपना शेयर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि तीनों की लाइबिलिटी अभी पेंडिंग है। सी में क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट करा, क्योंकि सी ऑलरेडी जीरो हो चुका है, उसका आंसर जीरो आ चुका है, उसकी लाइबिलिटी अभी पेंडिंग नहीं है। तो जिनकी पेंडिंग लाइबिलिटी है उनमें इसने अपना शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 50 इसके शेयर सरप्लस थे, इसने इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशियो में? उनकी ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में। ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी थी? 10000 12000 8000, जो आप यहाँ से देख सकते हो। 10000 A की 12000 D की और 8000 E की। सी में क्यों नहीं करा? क्योंकि सी का जीरो आ चुका है। बी का ही क्यों करा? क्योंकि बी का नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे आप टोटल लगाओगे 50 प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, जीरो आएगा। और अब फाइनल आंसर आपका आने वाला है, पिछले बेस पे 17 लेस होने हैं, किसमें से? 1250 में से। 1250 में से 17 लेस करो, 1250 में से 17 लेस करो, ये आएगा 1233। 1233 और 50 माइनस में 50 प्लस करो, कितना आ रहा है? जीरो। सी का जीरो में जीरो को ऐड करो, कितना आ रहा है? जीरो। डी 4800 में से 20 को लेस करो, 4780। और लास्ट में ई, ई की लाइबिलिटी कितनी थी? 2000 में से ले, देखो ना, ई ई की लाइबिलिटी थी 2000 में से लेस करो 13। 1987। और 8000 थे पिछले बेस पे, 8000 में से जीरो लेस करो 8000। ये आपका फाइनल आंसर है, आप इस आंसर को बुक से भी टैली कर सकते। ये 1233, 4780, 1987, 1233, 4780, 1987। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो नेट लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अंडर राइटर, ये आपके आंसर से। ठीक है बच्चों, सम इजी है, आपको जस्ट थोड़ा कमांड बनाना है। पहला सम था, इसीलिए आपको धीरे धीरे सीखना है। नेक्स्ट सम से हम थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे, अच्छे से समझना आप इसको। ये स्कोरिंग चैप्टर है, मैं आपको इसकी समरी दे देता हूँ एक बार दोबारा। ये देखो, पहले जितने अंडर राइटर थे उतने कॉलम बनाए, ए बी सी डी ई एंड टोटल। सबके परसेंटेज क्वेश्चन में पहले से गिवन थे, 40000 टोटल शेयर्स थे, 40000 का 25% किया, 10000, 40000 का 15%, 40000 का 10%, 40000 का 30%, 40000 का 20%। फिर मार्क्ड एप्लीकेशंस लेस की, उसके बाद अनमार्क एप्लीकेशन 12000 थी, उसको ग्रॉस लाइबिलिटी की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा 25%। यहाँ पे हमने परसेंटेज इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे 500 में डिस्ट्रीब्यूट होना था। जब 500 में डिस्ट्रीब्यूट होना है तो आप परसेंटेज ले सकते हो, क्योंकि परसेंटेज का डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है, 25/100, 15/100, और इनका टोटल भी 100 ही बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आती जब 500 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद हमारा नेगेटिव आया सी का, सी को हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट करा? बाकी चारों में। जिसका नेगेटिव आया उसमें प्लस कर दो, बाकियों में माइनस कर दो। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ग्रॉस लाइबिलिटी। लेकिन इस बार परसेंटेज नहीं ले सकते आप, क्योंकि 500 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना है, चारों में डिस्ट्रीब्यूट होना है, इसीलिए हमने परसेंटेज ना लेके उनके शेयर्स लिए। ए के कितने शेयर थे? 10000 10000। बी के कितने शेयर थे? 6000 6000। सी के कितने शेयर थे? वो लेने नहीं है। डी के कितने शेयर थे? 12000 12000। ई के कितने शेयर है? 8000 8000।
फिर हमने इन चारों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इन चारों का टोटल लगाओगे 36,000 आएगा। 900 इंटू 10,000 अपॉन 36,000, 900 इंटू 6,000 अपॉन 36,000, 900 इंटू 12,000 अपॉन 36,000, 900 इंटू 8,000 अपॉन 36,000। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ए की लाइबिलिटी तो जीरो होगी, सॉरी सी की लाइबिलिटी तो जीरो होगी, लेकिन बी का नेगेटिव आ गया। फिर बी को डिस्ट्रीब्यूट करा, बी को किन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बाकी के तीनों में। तीनों में क्यों, क्योंकि सी तो जीरो हो चुका है ना, अब सी तो एग्जिट हो चुका है, बचे कौन, ए बचा, डी बचा और ई बचा, इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 10,000, 12,000, 8,000। परसेंटेज क्यों नहीं, क्योंकि इस बार तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पांचों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। जब भी आप पांचों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप परसेंटेज ले सकते हो, अदरवाइज आपको परसेंटेज नहीं लेनी है, ग्रॉस लाइबिलिटी के शेयर ही लेने हैं। ठीक है, ए के 10,000 है, डी के 12,000 है, सी के 2,000 है, इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 10,000, 12,000, 8,000, 10,000 अपॉन 30,000, इनका टोटल 30,000 आ रहा है ना, रेशियो में टोटल ही होता है डिनोमिनेटर। जब भी आपको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसका टोटल ही डिनोमिनेटर होता है। तो इन तीनों का टोटल 30,000 था, 10 अपॉन 30, 12 अपॉन 30, 8 अपॉन 30, टोटल 50 शेयर्स थे। इसमें प्लस हो गया बाकी तीनों में माइनस, और जो लेस करके आया वो आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, और आंसर में देखो सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, सारे पॉजिटिव आने चाहिए। जब तक नेगेटिव आता है सबको कंटिन्यू करना पड़ेगा, जब सारे पॉजिटिव आ जाएंगे तब आपका सम खत्म हो जाएगा। सम कंप्लीशन का यही सिग्नल होता है कि सारे पॉजिटिव आ गए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से समझना, देखना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सम करेंगे, वो आपको कंपैरेटिवली इजी लगेगा, ये पहली बार आप कर रहे हो इसीलिए इसको समझने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा। प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट आता है तो कॉमेंट सेक्शन में या मुझे ऐप में जाके आप चैट मैसेज में जाके मैसेज लिख सकते हो। आई कैन रिपीट कि आपको जो डाउट है वो भी दूर हो जाए। क्लास में मैं रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।